नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है लेटेस्ट अपडेट के साथ जो निकल रहा है ग्रेड लेवल 2 से। तो दोस्तों, आज एक ग्रेड लेवल 2 पे एक और नई याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट में एक और नई याचिका लगाई गई है। इस बार जो याचिका लगी है वह ग्रेड लेवल 2 की जो आंसर की है उसे चुनौती देते हुए उस पर ये रीट लगाई गई है। कुछ 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में केस करते वक्त कहा है उनके उत्तर है वो आंसर की जारी की गई है उनमें चेंज होना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है और जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनके ऑफलाइन फार्म स्वीकार करने का आदेश सरकार को आदेश दे दिया है। यह इस समय की न्यूज है। दोस्तों, रीट लेवल सेकेंड 2018 भी याचिका और लगाई गई है, लेकिन दोस्तों इस पर आगे हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है तो जो भी फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी और मेरे ख्याल से तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अपनी इस भर्ती पर दोस्तों, क्योंकि बोर्ड है वो लगभग केवीटी लगा चुका है, अभी रोक नहीं लगी है। दोस्तों, केवल बोर्ड से जवाब मांगा गया है, अगर बोर्ड के जवाब से कोई संतुष्ट हो जाता है अब वह यह देखना है हमें कि बोर्ड के द्वारा कब तक ये जवाब मांगा जाता है। तो इस पर जो यदि कोई संतुष्ट हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा इस पर तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। यह नई याचिका लगी है जो 14 क्वेश्चन ऐसे है जिन पर याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है और उनके ऑफलाइन फार्म स्वीकार करने का आदेश दिया वो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, तो इससे जैसे कुछ भी आपकी इससे रीट से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।